कृषि बिल को लेकर सड़क पर उतरे किसान संगठनों ने आज मुरादाबाद पहुंचकर कमिश्नर कार्यालय का घेराव करते हुए गेट बंद करके धरने पर बैठ गए। सैकड़ों की संख्या पर धरने पर बैठे किसानों की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत कर रहे हैं। संसद से पास होने के बाद से ही कृषि बिल का जोरदार विरोध शुरू हो गया था, जिसके चलते आज भी पंजाब सहित कई प्रदेशों में किसान संगठन इस बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में भी भारतीय किसान यूनियन और दूसरे संगठनों से जुड़े सैकड़ों किसान कमिश्नर कार्यालय घेर कर बैठ गए। ट्रैक्टर ट्रोलियों में सवार होकर शहर के बीच पहुंचे किसानों के कारण शहर का एक हिस्सा भी जाम हो गया। ये किसान सुबह 11 बजे से पहुंचने शुरू हो गए थे। इस धरने की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत कर रहे हैं। धरने स्थल पर मौजूद टिकैत ने मीडिया के माध्यम से सरकार तक संदेश पहुंचाते हुए कहा कि सरकार को MSP की गारंटी भी लिखित में देनी होगी और कृषि बिल में जो भी नियम लागू किए गए हैं वो सभी किसान विरोधी नजर आ रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो 2 साल बाद मंडियां खत्म हो जाएंगी। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो हर चीज लिखित में दे, क्योंकि कोई भी काम मौखिक में नहीं होता। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा ये है कि जो ये अध्यादेश आया है ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी उसमें इन्होंने चेंजिंग करा, इस अध्यादेश में भी इनको चेंज करना पड़ेगा। बैलेंस तो ये है कि मंडी और मंडी के बाहर वो सेम उसका टैक्स बराबर हो, मंडियों में टैक्स है और बाहर टैक्स फ्री होगा, तो ये 2 साल में मंडियाँ खत्म हो जाएगी हमारी। दूसरा ये है कि MSP को लीगल जल कानून बनावे कि उसके नीचे पर खरीद नहीं होगी। जो भी MSP का रेट है, जिन 24 फसलों पर रेट है, वो उनसे नीचे पर खरीद नहीं होगी और सरकार इसकी खरीद की गारंटी दे, ये कानून इनको बनाना पड़ेगा। नहीं तो देश का किसान बर्बाद होगा, मंडियाँ बर्बाद होगी और ये MSP भी ख़त्म होगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने कह दिया कि ख़त्म नहीं होगा, वो लिखित में दे। देश लिखत पढ़त चलता है, देश कानून उस पर बन जाता है तो उससे चलता है। भंडारण कौन कितना करेगा, जिम्मेदारी किसी की नहीं है, कौन उसको कंट्रोल करेगा, तो ये सारी चीजें हमारा सवाल है सरकार से, सरकार इस पर ध्यान दे और नहीं तो ये आंदोलन हमारे होते रहे। आज कितनी संख्या में किसान यहाँ पर कितनी संख्या हो मैं कोई कहीं बैठा कोई कहीं बैठा, ये तो जो गांव में बैठा वो भी तो तैयार ही है। इसका 1300 रुपये में धान भी गया, लाठी लेगा वो भी बैठा तैयार।